तो क्या हाल चाल, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज भाई मेरे पर्सनल फेवरेट व्लॉगर के भाई का जो एक नया ट्रैक आया है, भाई तुम लोग जान रहे होंगे, UK07 राइडर का जो भाई है जिनका नाम है कलम इंक, भाई वो उस बंदे का भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ट्रैक आया है, नया ट्रैक आया है यादों से। भाई मतलब बहुत दिनों बाद आया और ये मतलब बहुत सारी नो मतलब सस्पेंस बना रहा था ये कि ऐसा होगा, मैं नया एल्बम ला रहा हूँ, पहाड़ों पे जा रहा हूँ शूट करने, ऐसा। तो चलिए साथ में देखते और साथ में रिएक्ट करते कैसा होने वाला है। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। कमेंट करना चाहूंगा इसके बीच में कि ये बंदा पर्सनली मेरे को एक रीजन की वजह से बहुत अच्छा लगता है, ये कि भाई इसका भाई इस पोस्ट पे है ना यूट्यूब के मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस है उसके हाथ में। तो अगर ये बंदा चाहे तो अपने भैया के यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकता है, अपने गानों को प्रमोट कर सकता है, बट ये ऐसा नहीं करता भाई, अपने दम पे करता जो करता है। सो इस बात पे लव यू ब्रो, लव यू। और तुम भी जाकर के कमेंट पे इसका नाम पूरा स्पैम कर दो भाई, सबको रिप्लाई मिलेगा। गो फास्ट क्या बोल रहा से भागे दूर तेरी जाना हम इन यादों से, जाने जाना यादों से। फिर से एक बार ये जो बीप आया, कैसे भागे दूर तेरी जाना हम इन यादों से, जाने जाना यादों से, दूर है हम यादों से, जाने जाना यादों से। कैसी ये दूरियां हैं, कैसी मजबूरियां हैं, किस्मत के पन्नों में लिख दूंगा मैं तेरा नाम, तू जो मुझको ना मिली तो। लेकिन भाई पर्सन मैं एक और बात बोलूं यार, इसमें ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हाँ इतना मेरे को मालूम है कि इनकी जगह पे आई रिस्पेक्ट दिस वुमेन, बट इनकी जगह पे अगर वो अपनी दीक्षा दी को ले लेते ना तो वो और अच्छा होता, लाइक थोड़ा यू नो अच्छा लगता। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये सही है, फिर अगर दीक्षा दी यहाँ पर होती तो तुम अपना ओपिनियन बताओ कॉमेंट्स पर जाकर के। जानू मैं गलतियां मेरी थी, पर तू भी तो औरों की सुनती थी, हाँ कैसे पूछा पाता आग में रिश्ते की, जब गर्मी दोनों के अंदर हम दोनों एक दूसरे की सुनते ही नहीं थे, हम समझ लड़ाई में चुनते ही नहीं थे, हम दोनों ने छोड़ डाला रिश्तों को गैर। भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना, मतलब कसम से ये अपने रिलेशन के ऊपर या फिर मतलब एक रिलेशन टॉपिक को लेकर के ये हर एक चीज बोल रहा है, मतलब तुम ध्यान से सुनो तो तुमको अच्छे सब कुछ समझ में आएगा। मैं हम दोनों साथ में हंसते क्यों नहीं थे, पर तेरे ये साथ वाले तेरे सगे नहीं, कैसे बन जाते ये गाने जाना हमें पता नहीं, इंस्टा से मैं ब्लॉक्ड हूं और डीपी तेरी दिखती नहीं। ये जो लाइन है ना, इंस्टा से मैं ब्लॉक हूं, मैं डीपी मेरी दिखती नहीं, ऐसे ये वाला जो भी बोल रहा है भाई, इस बंदे ने मतलब लिटरली यहाँ से एक महीने पहले से रील्स पे और स्टोरी पे ये चीज लिखता था। ओके तो ये था इसका टीजर। हमें पता नहीं, इंस्टा से मैं ब्लॉक्ड हूँ और डीपी तेरी दिखती नहीं, दारू पी के गाली देरी जाना मुझको ये नहीं सही। एक वक्त था जब हम दोनों एक थे, एक वक्त है अब जब दोनों जुदा हैं, एक वक्त होगा जब दोनों हंसेंगे, एक वक्त है अब जब दोनों रो रहे हैं। If I were you, मैं तुझे जाने नहीं देता, अगर तेरी जगह होता मैं तो रिश्ते को बहाने देता, रिश्तों में तगाने करते आशिक जनाब, हम जीते या मरते, याद आ जाते हो खुद ब खुद तुम, हम कभी याद नहीं करते, अब क्या ही बताएं हम आपको, कितना ही टूटे हैं आपके जाने के बाद, हम खुद ही को रहे नहीं खुद ही को याद, हम आंखों में आंसू बन जाते हैं मोती, अब
ये फीलिंग्स है ब्रो, ये फीलिंग्स है, मतलब कसम से इसके अंदर जितना कुछ है ना वो एक पेन और पेपर को लेकर के लिख करके हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कसम से अगर ये किसी को टैग कर रहा है ना इसमें, किसी लड़की को अगर ये मेंशन कर रहा है इसमें और अगर वो ये आज देख रही है ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो लड़की आज उसके आंखों से जैसे बोला ना कि आंसू मोतिया बन रहे हैं, तो भाई उसके ऐसे ही मोतिया बन के आंसू गिर रहे होंगे। अगर वही लड़की अगर मेरा वीडियो देख रही है तो कसम से कमेंट्स में जाकर के बताना क्या तुम सच में रो रहे हो। वट एवर आई विल नॉट गो पर्सनली बट दिस इज वेरी वेरी गुड यार। मां ज्यादा है आदत तेरी, निंदिया से आदत तेरी ज्यादा है। इंस्टा से मैं ब्लॉक हूँ और डीपी तेरी दिखती नहीं, दारू पी के गोली तेरी जाना मुझको ये नहीं सही। ब्रो क्या बोलूं मैं बोलना है कि ये गाना एक इमोशन था, ये गाना एक फीलिंग था। मेरे को तो ऐसा ही लगा कि लाइक इस बंदे के अंदर जो भी है इसने सब निकाला यार, इसने सब निकाला इस गाने में। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर ये किसी को टैग कर रहा है जैसे मैंने बोला, अगर किसी को मेंशन कर रहा है तो पक्का अगर उसने गाना तो सुना ही होगा, तो 101% उसको भी कहीं ना कहीं 1% उसको फील हुआ होगा यार ब्रो कसम से। तो तुम्हें ये वीडियो और ये गाना कैसा लगा कमेंट्स में जाकर के जरूर बताना। अगर गाना अच्छा लगा तो प्लीज जाकर के इस वाले रियल गाने को भी देख लेना, मेरी वीडियो से पहले तुमने देख लिया होगा जो भी है। व्हाटएवर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज के इस वीडियो के लिए। बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।